गाइस, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कार्ड्स के ऊपर, मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एटीएम कार्ड। तो ये क्या काम में आता है? सो बेसिकली किसी भी बैंक का एटीएम मशीन होना क्यों, उस एटीएम कार्ड से आप एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट से सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं। एटीएम कार्ड में भी कोई मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड और वीज़ा का लोगो नहीं होता, सिंपल सा कार्ड है बस और कुछ नहीं। इस कार्ड से भी आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, या कि किसी भी मर्चेंट साइट पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एटीएम मशीन में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पैसा निकालने के लिए बस और कुछ नहीं। उसके बाद आता है डेबिट कार्ड। इस कार्ड से आप कोई भी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड टाइप ही है बट थोड़ा अलग है। एटीएम मशीन से अलावा भी आप या जो कोई भी मर्चेंट साइट है वह ऑनलाइन कुछ खरीद सकते हैं इसके माध्यम से, या ऑनलाइन सर्विस है वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो स्वाइप मशीन होती है आप उसमें भी पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है, सुविधा भी है। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। ये भी देखने में एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जैसा है, बस फंक्शन अलग है। इस कार्ड से आप एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, सो क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन सर्विस के जो ट्रांजैक्शन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट से इसका कोई लिंक नहीं होता। हाँ, आपका बैंक में पैसा लिए और फिक्स टाइम पे आपको पैसा लौटाना भी पड़ता है, नहीं तो बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलिए, धन्यवाद।